हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। आज आपको बताने वाला हूँ एक कूलर के मोटर की आपको फिटिंग कैसे करनी है, कैसे कूलर में लगाना है, कैसे इसकी वायरिंग करनी है, बहुत ही सिंपल और आसान वे में, जैसे कि आप इसको घर पर भी कर सकते हैं और नए इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए भी है। इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, अगर आप कनेक्शन भूल गए हैं तो आसानी से इस वीडियो में सीख जाएंगे कैसे कनेक्शन करते हैं। आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा कूलर के मोटर में, इस प्रकार इसको आप कूलर में सेट करेंगे तो ठीक है। दोस्तों ये मैंने क्रैम्पटन की मोटर ली है और इसे वायर का डायग्राम है, जैसे कि ब्लू वायर कॉमन का है, ब्लैक वायर हाई स्पीड का है, वाइट वायर मीडियम स्पीड का है, रेड वायर लो स्पीड का है, ये और ये दो येलो वायर हैं जो इसमें वो कैपेसिटर के हैं। मैं आपको लाइव मोटर में भी दिखा देता हूँ। देखिए ये अपना कॉमन वायर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉमन वायर था, ये तीनों जो स्पीड के वायर हैं। मैं बता देता हूँ कौन सी स्पीड का कौन सा वायर है, जो आपको कहाँ पे यूज़ मिले, कहाँ पे लगाना है इसको। ये हाई स्पीड का है, ये मीडियम स्पीड का है, और जो रेड वाला वायर है वो लो स्पीड का है। आपको ऐसे नहीं करना है कि रेड में फेस जोड़ दिया और कहीं पे भी न्यूट्रल नहीं जोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। ये मैंने कूलर में इसको फिट कर दिए, इसकी पूरी वायरिंग बताऊँगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहना वीडियो में, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये कैपेसिटर यहाँ पर मैंने सेट कर दिया टेप चिपका कर, ये अच्छे से इसको टाइट कर दिया मैंने, और जो मैंने अपने मेन सप्लाई के वायर थे तो मैंने बाहर की तरफ ले लिए हैं। दोस्तों ये जो आप वायर देख रहे हैं चार वायर, आपको नीले वायर में न्यूट्रल जोड़ना है, तो जो मेन सप्लाई का न्यूट्रल आएगा और एक न्यूट्रल का वायर जोड़ देना है इसमें, जो कूलर का पंप है उसका, और इसमें स्विंग वाली मोटर ख़राब है, जैसे वो चारों ओर हवा देता है कूलर, वो इसमें मोटर ख़राब है, इसलिए मैं दो ही यूज़ में ले रहा हूँ। जो ये आपको वाइंडिंग भी मैंने दिखाई, ये फेज़ का वायर है और ये फेज़ की वायरिंग है इसमें पूरी। एक आपको दिख रहा होगा ये रेड वाला पतला सा वायर, ये पंप का फेज़ का वायर है। इस प्रकार अब आपको अपने को न्यूट्रल की वायरिंग करनी है पूरी। वो कैसे करनी है मैं बता देता हूँ अभी। तो मैं अभी मेरे हाथ में जो भी वायर था ग्रे कलर का, वो मेन सप्लाई का न्यूट्रल था, और ये मेन सप्लाई का न्यूट्रल है जो अपने बोर्ड से किसी कूलर को चलाना है वो वायर। ये मोटर का न्यूट्रल है, आपको दोनों को कॉमन कर लेना है, और एक आपको ये वाटर पंप है उसका वायर ले लेना है काला न्यूट्रल का। तीनों वायर आपने ले लिए, अच्छे से देख लेना मैंने कौन कौन से लिए। एक तो मोटर का न्यूट्रल का वायर लिया नीला, एक ग्रे कलर का वायर लिया है मेन सप्लाई के न्यूट्रल का, और एक कूलर के जो पंप है पानी की मोटर का उसका ब्लैक वायर लिया है। इन तीनों को मैंने एक जगह मोड़ कर अच्छे से इसके टेप कर रहा हूँ अभी, सेम आपको भी इसी प्रकार करना है। वीडियो में दोस्तों कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं, 100% आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और ये जो तीन वायर हैं ये अपने स्पीड के हैं, आप चाहें तो इनको अलग अलग पॉइंटों में अलग अलग जगह पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप थ्री स्पीड में चला सकते हैं, पर मैं इसको एक ही स्पीड में चलाऊंगा फुल स्पीड में, क्योंकि कूलर को हम ज़्यादा स्पीड के लिए चलाते हैं, कम स्पीड में लिए नहीं चलाते हैं। इसी प्रकार इन तीनों वायरों को आपको एग्जिंग कर लेना है, जिससे कि तीनों स्पीड की वाइंडिंग एक साथ काम करेगी, जिससे मोटर पर भी लोड नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको आपको स्विच में लगाना बता देता हूँ, स्विच में कनेक्शन कैसे करनी है। जैसे एक खाली कॉन्टेक्टर दिख रहा है आपको, इसमें इसको डाल देना, पर ये वायर ज़्यादा हो गए मोटे इसलिए इसमें आ नहीं रहे, तो मैं एक सिंगल वायर डाल लेता हूँ पहले, इसमें सिंगल वायर डाल लेता हूँ और उन दोनों को इसके ऊपर अच्छे से मोड़ देता हूँ। दोस्तों अपने मोटर की वाइंडिंग है जो पूरी कंप्लीट हो गई है, कूलर की मोटर की वाइंडिंग मतलब वाइंडिंग नहीं, इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है और ये अब अच्छे से काम करेगा। मैं इसको आपको चालू करके दिखा देता हूँ, ये फेज़ की वायरिंग है दोस्तों, ये वाटर पंप का फेज़ का वायर है और ये पूरे न्यूट्रल है, ये पंप का है, ये मेन सप्लाई का है, और जो नीला वायर है अपने मोटर का है, अच्छे से देख लिया आपने। मैं अब इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये अच्छे से चल रहा है अभी, अच्छे से काम कर रहा है। आपको ये वीडियो में अजीब सा दिख रहा होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड में है,
पर मैं मोबाइल से शूट करूँ इसलिए ऐसी वीडियो आती है। मेरे पास कैमरा नहीं है दोस्तों, इसलिए आप देख रहे हैं। पानी का पंप भी अच्छे से काम कर रहा है और ये अभी फुल स्पीड में चल रही है, बहुत ही अच्छी बारिश है। आप साउंड में सुनाई दे रहा होगा, सेम आपको इसी प्रकार करना है। मैं इसको आपको एक बार रोक करके दिखा देता हूँ, आप अगर चेक करना चाहें भाई आपका कूलर भी मतलब कैसे चलता है तो आप वीडियो में मोबाइल में वीडियो बनाकर देख सकते हैं उसको, वो भी इसी प्रकार चलता है। मैंने अभी इसको बंद कर दिया, तो दोबारा चला के दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।